हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा चैप्टर डिमांड चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन, यानी आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन की। तो सबसे पहले जानते हैं डिमांड फंक्शन होता क्या है। डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग इट। यानी क्वांटिटी डिमांड और उसको इफ़ेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन शो करना वो क्या कहलाता है, हमारा डिमांड फंक्शन कहलाता है। यानी क्वांटिटी डिमांड और वेरियस फैक्टर जो कि डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन शो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिमांड फंक्शन कहलाता है। इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन। ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, क्योंकि हमारी डिमांड भी कितने टाइप की होती है, टू टाइप की, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। उसी तरह से हमारा डिमांड फंक्शन भी कितने टाइप का होगा, टू टाइप्स का होगा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड और फॉर अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर इन द मार्केट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो अब इसको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी डिमांड को, डी यानी डिमांड, एफ यानी फंक्शनल रिलेशनशिप, इसको कौन कौन इफेक्ट करता है, हमारी जो डिमांड है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पी आर वाई टी ई। पी यानी होता है हमारा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, आर यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई यानी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट और प्रेफरेंसेस, और ई फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसे हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको मैथमेटिकली डी एक्स यानी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी जिसका फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। आगे देखिए, यही मैंने इसको डिस्क्राइब किया, डी एक्स इज इक्वल टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स, पी एक्स यानी प्राइस ऑफ अ एक्स कमोडिटी, आर यानी प्राइस ऑफ अ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वाई यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ई यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेज। यानी अब आप बात करोगे कि ये सारी चीज़ें हमारी डिमांड को किस तरह से इफेक्ट करेगी, तो शॉर्ट में देखिए, सबसे पहले प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो हम डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये इफ़ेक्टिव तो हुआ कि भाई प्राइस बढ़ने पे हमने डिमांड क्या कर दी, कम हो गई हमारी, तो डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि हमारी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। वहीं अगर अपोजिट देखा जाए, अगर प्राइस लेस हो जाती है यानी प्राइस कम हो जाती है तो हम डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशन शो करता है, एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद बात आती है प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड, इसमें भी हम रिलेशन बताएंगे, जैसे कि इनकम ऑफ द, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, अगर आपकी इनकम 5,000 से 10,000 हो चुकी है तो आप क्या करोगे, कूलर से एसी पे आ जाओगे, तो इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। और वहीं पर अगर इनकम कम हो जाती है तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन दोनों में अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी डिमांड भी बढ़ रही है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। फिर आता आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेज। अब हम इन्हीं फैक्टर्स को डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, यानी डिटर्मिनेंट्स बोल दो या फिर फैक्टर बोल दो जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी पी एक्स से डिनोट करते हैं। व्हेन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, यानी हमारे पास टोटल 5 थे ये फैक्टर्स, उनमें से सबको कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी उनमें से किसी में भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ किस में चेंज होगा, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। व्हेन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट there is an inverse relationship between the price of a commodity and quantity demanded, यानी कौन सा relation है, inverse यानी opposite relation है price of a commodity and quantity demand के बीच में। so when price of a commodity increases, यानी जब भी किसी चीज़ की price increase होगी, then quantity demand of a commodity decreases
एंड व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेज क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड इट इज एक्सप्रेस्ड एज डिमांड ऑफ अ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ अ एक्स कमोडिटी. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेस्ड हो गया कि हम मैथमेटिकली इसे इस तरह से प्रेजेंट करेंगे. अब हम इसकी टेबल और इसका डायग्राम देखेंगे. देखिए, जब हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है. वहीं पे प्राइस अगर हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. वहीं मैंने डायग्राम में शो किया है. अगर मेरी प्राइस, मान लीजिए सबसे पहले मेरी प्राइस ओपी थी, जहाँ पे मैं क्वांटिटी कितनी लेती थी, ओ क्यू लेती थी. अब मेरी प्राइस बढ़कर ओ पी से ओ पी वन हो गई है. कितनी हो गई है, प्राइस बढ़कर ओ पी से ओ पी वन हो गई है. तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. यानी ये जब बढ़ा तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी ओ क्यू से ओ क्यू वन पर आ जाएंगे. वहीं पर अगर हमारी प्राइस कम हो जाती है, ओ पी से ओ पी टू हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए हमारी जो क्वांटिटी है वो ओ क्यू से ओ क्यू टू हो जाती है. यानी इस तरफ हम बढ़ेंगे और इस तरफ हमारी प्राइस कम हो रही है. ये था इसका डायग्राम, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. आगे बात करेंगे हम प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या फिर रिलेटेड कमोडिटी. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ रिलेटेड गुड्स. इसकी डिफाइन देखिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी इसमें प्राइस वगैरह सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे. डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन अ प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स. किस पे डिपेंड करेगी, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स पे डिपेंड करेगी सिर्फ. देर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड. यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं, यानी एक की डिमांड करते ही दूसरे की डिमांड अपने आप आ जाती है. लाइक पेन एंड रिफिल, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल. यानी ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है. वहीं सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी एक के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं. अगर हमें कोक नहीं मिली है तो हम पेप्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, रिबॉक नहीं मिले तो हम नाइकी का भी प्रयोग कर सकते हैं. ओके, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं. डिमांड कर रिमेन पॉजिटिव, इसका डिमांड कर कैसा होगा, अभी तक हमने पढ़े हैं नेगेटिव डिमांड कर, लेकिन इसका डिमांड कर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, अगर डेफिनेशन देखी जाए, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used या substituted in place of each other. यानी एक की जगह पर हम दूसरे product को use कर सकते हैं. Explanation: if the price of one substitute good increases, then the consumers increases the demand of another substitute commodity. मान लीजिए यहाँ पर मैंने ली है price of Pepsi, यहाँ पर है quantity demand of Coke. ठीक है, अगर प्राइस बढ़ जाते हैं, किसके, पेप्सी के प्राइस बढ़ जाए, तो हम पेप्सी की डिमांड कम कर देंगे, लेकिन कोक की प्राइस वही की वही है, तो हम क्वांटिटी किसकी बढ़ा देंगे, कोक की क्वांटिटी बढ़ा देंगे. तो इन दोनों के बीच में प्राइस ऑफ पेप्सी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ कोक दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ. तो वही चीज़ ये बताना चाह रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ वन सब्स्टिट्यूट कमोडिटी इंक्रीजेज, वन सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है, देन द कंज्यूमर इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ अनादर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी. यानी कंज्यूमर क्या करेगा, दूसरे प्रोडक्ट की कमोडिटी की डिमांड को क्या करेगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उसकी प्राइस अभी भी वही की वही है. एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, पेप्सी एंड कोका कोला, रिबॉक एंड नाइके एसेट्रा. आप और भी कुछ ले सकते हो इसकी जगह पे, आपको याद आए तो. व्हेन टी बिकम कॉस्टलियर, अगर हमारी टी क्या हो जाती है, कॉस्टलियर यानी महंगी हो जाती है, द कंज्यूमर विल डिमांड मोस्ट ऑफ कॉस्टलियर. ठीक है, तो देखिए प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस ऑफ टी
तो क्वांटिटी कॉफ़ी की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ़ प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेज क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफ़ी डिक्रीजेज, ठीक है, अगर टी के प्राइस डिक्रीज हो गए तो हम क्वांटिटी इसकी कम कर देंगे, हम वापस टी की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है टी एंड क्वांटिटी। टी देखिए 20 प्राइस ऑफ टी, ठीक है, तो टी की प्राइस क्या थी 10, 20, 30, 40, कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रही है, कंटिन्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो अब हम टी को लेना तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और कॉफ़ी को लेना स्टार्ट कर देंगे, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है 10, 20, 30, 40। इसको डायग्राम देखें, देखिए डायग्राम देखिए, यहाँ पे है प्राइस ऑफ टी और यहाँ पे है क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी। प्राइस हुई हमारी 0 से 10, तो हमारी क्वांटिटी कॉफ़ी की क्या हो गई, 0 to 10। वैसे ही हमारी प्राइस बढ़ी 10 to 20, तो ये भी बढ़ा, ये बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये बढ़ा, ये भी क्या हो गए। डायग्राम बना के बता रही हूँ इस तरफ कैसे बना है। ये है हमारी प्राइस ऑफ टी और यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफ़ी, ओ वाई एक्स। मान लीजिए मेरे पहली प्राइस थी 10, कितनी थी 10 थी, तो मैं क्वांटिटी भी कितने की करती थी 10 की। प्राइस बढ़ गई मेरी 10 से 20 हो गई, मेरी क्वांटिटी भी क्या हो गई कॉफ़ी की, बढ़ गई। प्राइस टी के बढ़े हैं लेकिन मेरी डिमांड क्वांटिटी इसकी बढ़ेगी, तो ये इसी तरह से फिर 30 हुआ, तो इसका भी मेरा 30। तो इसके ऊपर जो कर्व बनेगा वो कौन सा बनेगा, डिमांड कर्व, और ये कौन सा रिलेशन शो करता है, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, यानी एक की डिमांड करने पर दूसरे की डिमांड अपने आप आ जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वॉन्ट्स, यानी दोनों ही एक साथ यूज़ में आते हैं एक पर्टिकुलर वॉन्ट को सेटिस्फाइड करने के लिए। एक के बिना दूसरी अधूरा है, उससे हमें पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इफ़ देर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में इंक्रीमेंट होता है, दैट गुड्स विल डिक्रीजेज, तो क्या होगा, उस गुड की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर बॉट टुगेदर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, साथ में खरीदे जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कार है, पेट्रोल है, ठीक है, कार के प्राइस बढ़ गए, कार के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, तो कार खरीदना बंद कर देंगे तो पेट्रोल तो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, कार है ही नहीं तो पेट्रोल भराएंगे किस में, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कार अगर सस्ते में आ रही है तो सब लोग कार खरीदेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही रिलेशन है, यानी इनमें कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन शो करता है। कार एंड पेट्रोल इसके एग्जांपल हैं, गैस एंड गैस स्टोव, पेन एंड इंक एसेट्रा, आप शॉक्स एंड सू भी ले सकते हो। देर इज़ एन इनवर्स बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज एंड इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा। प्राइस ऑफ कार इंक्रीज हुई तो डिमांड पेट्रोल की क्या हो गई, कम हो गई, वहीं पे दूसरी तरफ देखें प्राइस ऑफ कार डिक्रीज हो गई, प्राइस कम हो गई कारों की, तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए ये प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और ये क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका कैसा रिलेशन हुआ, नेगेटिव। तो इसका डायग्राम होगा आपके इस तरीके का, डी डी, ठीक है, ओ वाई ओ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्राइस ऑफ कार और यहाँ पे आ जाएगा क्यू डी ऑफ पेट्रोल। ये देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, ये नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है, यानी एक चीज़ जब बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
थर्ड फैक्टर था हमारा इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, यानी जिसको हमने किससे डिनोट किया था, वाई से डिनोट किया था। तो देखिए इसकी डिफाइन, व्हेन द अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, यानी सारे फैक्टर को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, अगर कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, देन द डिमांड ऑफ अ गुड्स इन जनरल ऑल्सो इंक्रीजेज, तो हम क्या करेंगे, जो जनरल गुड्स हैं उनकी भी जो डिमांड है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। यानी इनमें कौन सा रिलेशन शो कर रहा है, अभी तक पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है। लग्जरी गुड्स कम अंडर द कैटेगरी, यानी अगर हमारी इनकम पहले 5,000 थी तो हमारे घर पे एक कूलर था, लेकिन अब हमारी सैलरी 10,000 हो गई है मान लीजिए, तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, कूलर से एसी पर आ जाएंगे। तो इनकम इंक्रीज होने पर, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इनकम इंक्रीज होने पर डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनकम बढ़ने पर हमारी डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देर आर टू टाइप ऑफ कमोडिटी, अब क्योंकि हम यहाँ पे हमने लग्जरी गुड्स की बात करी है, तो हमारे पास गुड्स भी क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स, यानी इनकम दो गुड्स पे अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट डालती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर आल्सो गोज अप एंड वाइस वर्स, यानी नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने के साथ साथ उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और इनकम कम होने के साथ साथ उनकी जो डिमांड है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी नॉर्मल गुड्स और कंज्यूमर इनकम के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम एंड नॉर्मल गुड्स। इन दोनों, इनकम इंक्रीज हुई तो नॉर्मल गुड्स भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। ये यहाँ पे इसका डायग्राम है, ठीक है, कि अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ रही है तो हमारी जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव डिमांड कर्व शो हो जाता है। अब हम बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स यानी होते हैं घटिया वस्तुएं, ठीक है, घटिया वस्तुएं। इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स डिमांड फॉर विच डिक्रीजेज व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेज, यानी जब हमारी, मान लीजिए डालडा घी है और देसी घी है, अब हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम कौन सा घी लेना पसंद करेंगे, ऑब्वियस चीज़ हम देसी घी लेना पसंद करेंगे, और डालडा घी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनकम कम हुई तो हम वापस डालडा से, देसी घी से वापस डालडा की ओर बढ़ जाएंगे, यानी डिमांड किसकी बढ़ गई, इन्फीरियर गुड्स की बढ़ गई। तो ये हमारा हुआ नेगेटिव रिलेशन शो करता है इन दोनों के बीच में, ये नेगेटिव डिमांड कर्व। अब हम फोर्थ बात करते हैं आपके कंज्यूमर चॉइस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की। तो देखिए चॉइस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, द डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी जो डिमांड है वो टेस्ट और प्रेफरेंस के भी ऊपर भी डिपेंड करती है। दे इंक्लूड फैशन हैबिट कस्टम, अब मान लीजिए आजकल जीन्स ज़्यादा ट्रेंड में है तो लोग किस पे, किसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, जीन्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे। अभी प्लाजो कुर्ती ट्रेंड में है तो कोई भी लेगी कुर्ता पहनना पसंद नहीं करेगा, तो अभी डिमांड किसकी ज़्यादा है, अभी डिमांड है प्लाजो कुर्ती की ज़्यादा, तो लोग डिमांड किसकी करेंगे, प्लाजो कुर्ती की। तो डिमांड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी चॉइस पे, हमारी फैशन पे, इन सब पे भी डिपेंड करती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट चेंज इन फैशन क्लाइमेट न्यू इन्वेंशन एसेट्रा, जैसे ही मार्केट में कोई न्यू चीज़ आई तो हम पुरानी चीज़ लेना बंद कर देंगे, उस नई चीज़ को अपनाना शुरू कर देंगे। अगर वेदर की बात करें तो सर्दियों में स्वेटर की डिमांड ज़्यादा होती है और विंटर्स में स्वेटर्स की डिमांड ज़्यादा होती है, और समर में इनकी बिल्कुल भी नीड नहीं होती है हमें। इफ़ टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज इन फेवर ऑफ द कमोडिटी द डिमांड इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। इंडिविजुअल फैक्टर का लास्ट जो है फैक्टर वो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर।
क्या होता है, कई बार ऐसी अफवाह उड़ जाती है कि भाई 1 महीने बाद शक्कर सस्ती होने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एट प्रेजेंट शक्कर की डिमांड बिल्कुल ही कम कर देंगे, क्योंकि हमें पता है शक्कर 1 महीने बाद सस्ती होने वाली है, तो हम लिमिटेड में अभी शक्कर लेंगे और 1 महीने बाद उसे स्टॉक कर लेंगे। अगर अपोजिट देखा जाए, कोई बोल दे 1 महीने बाद शक्कर महंगी होने वाली है, तो हम आज की तारीख में क्या कर देंगे, शक्कर की डिमांड बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देंगे। किराना स्टोर पे जाके देखोगे तो लाइन लगी होगी, डेढ़ डेढ़ घंटे तक आपका नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो एट प्रेजेंट उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इफ़ द कंज्यूमर फील्स दैट इन फ्यूचर द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विल डिक्रीज़, आपको बोल दिया जाए, जैसे कि अभी एट प्रेजेंट लॉकडाउन हुआ था तो हमें बोला गया था कि भाई कर्फ्यू लगेगा, ठीक है, तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विल डिक्रीज़, तो हमारे पास कमोडिटी की सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, देन दे फील विल इंक्रीजेज द करंट डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। तो रातों रात क्या हो गया, किराना स्टोर पे भीड़ पड़ना स्टार्ट हो गई थी कि भाई कल सुबह कर्फ्यू लगेगा, तो हम पहले से स्टोर करने के लिए स्टॉक रख लें, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, एट प्रेजेंट करंट में इंक्रीज़ हो गई। ऑन द अदर हैंड इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लो इन फ्यूचर, देन कंज्यूमर विल रिड्यूस देयर प्रेजेंट कंजप्शन और डिमांड। इन एडिशनल टू दी देयर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट मार्केट डिमांड विच आर एज फॉलोज, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे मार्केट डिमांड की। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन की। मार्केट डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी पांचों चीज़ें सेम हैं, कौन कौन सी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसमें तीन चीज़ें नई इंक्लूड होती है, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो इन तीनों को हम यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। तो देखिए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन्स इंक्रीज इन द बायर्स, सही, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो बायर्स यानी खरीदार भी ज़्यादा होंगे, विच डायरेक्टली मीन्स इंक्रीज इन डिमांड, यानी बायर्स ज़्यादा हुए तो डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। पॉपुलेशन बढ़ी तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ़ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द नेशनल इज इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन देयर विल बी मोर डिमांड फॉर गुड्स। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यदि नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली किया जाए तो उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर वहीं पे अनइक्वल नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो ऑफ इनकम कॉजेज फॉल इन द क्वांटिटी डिमांड, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। थर्ड आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। इफ़ द गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्स ऑफ एनी कमोडिटी, यानी गवर्नमेंट किसी भी वस्तु पे टैक्स लगा दे तो द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट डिमांड विल डिक्रीजेज एंड वाइस वर्स, यानी टैक्स लगाया तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ गई तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में कैसा हुआ, नेगेटिव रिलेशन हुआ। वहीं पे देखिए, अगर टैक्स में टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने तो हमारी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, और प्राइस इंक्रीज होते ही डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो ये नेगेटिव। वहीं पे छूट की बात करें, अगर गवर्नमेंट कहीं किसी वस्तु पे छूट दे देती है हमें, तो छूट देने पे हमारी प्राइस क्या हो जाएगी, उस वस्तु की कम हो जाएगी, और जैसे ही प्राइस कम हुई उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये थे हमारे डिमांड फैक्टर्स, जो कि हमारी डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं।